हेलो 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 गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट पोकेमोन यू डिडंट नो। गाइस, मेरे को पूरा दावा है, मतलब पूरा यकीन है मेरे को कि आपको इन फैक्ट्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमारा नंबर 10 का फैक्ट निकल के आता है कि ऐश का नाम। गाइस, हाँ गाइस, ऐश के नाम के ऊपर है ये फैक्ट। तो गाइस, ये बात तो सभी को पता ही होगी कि जो पोकेमोन एनिमे का मेन करेक्टर है वो ऐश केचम है। गाइस, उसका नाम है ऐश केचम। तो गाइस, ये बात तो आपको पता ही होगी, लेकिन जैपनीज वर्जन में असल में ओरिजिनल नाम उसका ऐश है ही नहीं। गाइस, उसका ओरिजिनल नाम है शातोशी। गाइस, और जी शातोशी नाम पोकेमोन के क्रिएटर का है और उनके गुरु का नाम है शिगेरू मायामोटो, जो भी उनका नाम है यार, कुछ अजीब से नाम है जैपनीज लोगों के। तो गाइस, उन्होंने मारियो क्रिएट किया था। तो गाइस, जो ऐश का नाम है वो है पोकेमोन के क्रिएटर के ऊपर है। गाइस, जो पोकेमोन के क्रिएटर का नाम है वही ऐश का नाम भी है। तो गाइस, बढ़ते हैं हमारे नंबर 9 के फैक्ट की तरफ। तो गाइस, अब बात करते हैं मैग्नेटोन के वेट के बारे में। गाइस, तो गाइस, जो मैग्नेमाइट होता है ना, उसका वेट कुछ 13 पाउंड्स होता है, और जब वो इवॉल्व होता है तो मैग्नेटोन बन जाता है। और इस हिसाब से 13 13 13 यानी 13 3 13 9 पाउंड उसका होना चाहिए। गाइस, क्योंकि वो 3 3 3 मैग्नेमाइट हो जाता है ना। तो गाइस, 13 3 39 गाइस, तो 39 उसका पाउंड हो जाना चाहिए। लेकिन उसका मतलब उसका वजन है पूरा 130 पाउंड। गाइस, 130 पाउंड्स उसका वजन है, बल्कि 39 पाउंड उसका वजन होना चाहिए था, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो गाइस, समझ रहे हो ना गाइस। तो गाइस, यही था हमारा 9th नंबर का फैक्ट। तो बढ़ते हैं हमारे 8th नंबर के फैक्ट की तरफ। तो हमारा 8 नंबर का फैक्ट निकल के आता है कि पोकेमोन का नाम पहले कैप्सूल मॉन्स्टर रखने वाले थे, पर उसकी जगह मतलब कि सातोशी जो था, सातोशी जो क्रिएटर है पोकेमोन के, उनको ये नाम बोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो उन्होंने ऐसा किया कि इस नाम की जगह पोकेमोन एनिमे का नाम रख लिया था, और ये नाम मिल गया था, कैप्सूल मॉन्स्टर नाम मिल गया था एक अच्छा एनिमे को। तो गाइस, इस एनिमे को कैप्सूल मॉन्स्टर्स का नाम मिला था, जो कि सही में काफ़ी अच्छा एनिमे है। और बढ़ते हमारे 7 नंबर की फैक्ट की तरफ। तो गाइस, हमारे नंबर 7 का फैक्ट निकल के आता है कॉफिंग और वीजिंग का नाम। तो गाइस, कॉफिंग और वीजिंग का नाम नाई एंड लाई रखा गया था, नाई एंड लाई था असल में कॉफिंग एंड वीजिंग का नाम। गाइस, तो नाय मतलब होता है न्यूयॉर्क गाइस, और लाय का मतलब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना गाइस, क्योंकि मैं अभी भूल चुका हूँ इसका क्या मतलब होता है गाइस। ठीक है गाइस, तो हमारे नंबर 6 के फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नंबर 6 का फैक्ट निकल के आता है स्लो ब्रो की थ्योरी। गाइस, तो जो स्लो पोक है वो स्लो ब्रो बनता है, लेकिन स्लो ब्रो डीवॉल्व हो सकता है। गाइस, हाँ गाइस, वो डीवॉल्व हो सकता है अगर उसकी पूंछ पे जो अजीब सा जो शेल होता है उसको हटा दिया जाए, तो वो फिर से स्लो पोक बन जाएगा। और ये शायद से एक ही पोकेमोन है जो कि डिवॉल्व हो सकता है, डी इवॉल्व वास्ते कोई भी पोकेमोन नहीं हो सकता है, बस यही पोकेमोन है जो कि उसको हटाने के बाद डी इवॉल्व हो जाएगा। गाइस, समझ रहे हो ना गाइस। तो गाइस, बढ़ते हैं हमारे नंबर 5 के फैक्ट की तरफ। तो गाइस, नंबर 5 का फैक्ट है पिकाचू के नाम की नाम के ऊपर। गाइस, तो पिकाचू का नाम जो है वो है बनाए पिका पिका और चू चू शब्दों को जोड़ के। गाइस, तो पिका पिका का मतलब होता है स्पार्कल, और चू चू तो गाइस चू चू का मतलब होता है स्क्विकिंग साउंड इफेक्ट, जो चू चू हो बोलते हैं ना चूहे, तो उसी आवाज़ की बात कर रहे हैं। तो गाइस, पिकाचू का मतलब यही होता है। तो नंबर 4 का फैक्ट निकल के आता है कि
तो गाइस एक शाइनी टेलो सिर्फ पोकेमोन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है गाइस, पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही शाइनी टेलो है गाइस, एक भी शाइनी टेलो है ही नहीं, बस एक ही शाइनी टेलो है पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में, एक के अलावा दो तो हो ही नहीं सकते गाइस, बस एक ही शाइनी टेलो है पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में, मतलब। तो गाइस ये था हमारा 5 नंबर का फैक्ट और 4th नंबर के, और सॉरी 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 गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। हाँ तो गाइस ये 4 नंबर का फैक्ट है, तो बढ़ते हैं हमारे नंबर 3rd के फैक्ट की तरफ। तो हमारा अगला फैक्ट निकल के आता है हिटमोनली एंड हिटमोनचैन के नाम के ऊपर गाइस। तो गाइस जो हिटमोनली का नाम है वो, तो गाइस यहाँ पर आप देख ही सकते हो हिटमोनचैन का नाम जैकी चैन से लिया गया है और हिटमोनली का नाम ब्रूस ली से लिया गया है गाइस। तो गाइस ये था हमारा नंबर 3rd का फैक्ट, तो बढ़ते हैं हमारे नंबर 2nd के फैक्ट की तरफ। तो गाइस शायद से आपने पोकेमोन एनिमे ये बात नोटिस नहीं की होगी कि पोकेमोन एनिमे में म्याउथ एंड पिकाचू पोकेमोन हमेशा अपोजिट साइड्स में रहते हैं, कभी भी मतलब एक ही साइड में नहीं रहते, हमेशा अपोजिट रहते हैं, एक हीरो टीम एक विलन टीम की तरफ, और यहाँ तक कि पोकेडेक्स। तो गाइस यहाँ पर आप देख ही सकते हो मतलब पोकेडेक्स नंबर 25 पिकाचू का 25 एंड म्याउथ का 52 है, दोनों अपोजिट नंबर्स है गाइस, तो बिल्कुल ही अपोजिट रहते हैं क्योंकि चूहा और बिल्ली हैं गाइस, क्योंकि पिकाचू एक चूहा है और म्याउथ एंड एक बिल्ली है, इसलिए वो अपोजिट रहते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नंबर 1st की तरफ। तो गाइस अब बात करते हैं 1st नंबर के पोकेमोन की तरफ, मतलब कि जो दुनिया का सबसे फर्स्ट पोकेमोन था, मतलब पोकेमोन की दुनिया का फर्स्ट पोकेमोन कौन सा है, पहला पोकेमोन कौन सा डिज़ाइन हुआ था। तो कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि पहला पोकेमोन पिकाचू है, पिकाचू इसलिए क्योंकि उसको पहले सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, वो पहला पोकेमोन था ऐश का, इसलिए उसको सबसे पहले डिज़ाइन किया गया था, ऐसा भी मानते हैं। और कुछ ऐसी थ्योरी भी है कि फर्स्ट पोकेमोन बल्बस हो रहा है क्योंकि वो पोकेडक्स में सबसे नंबर 1 पे है गाइस, इसलिए वो भी हो सकता है। तो और कुछ ऐसी भी थ्योरी है कि आरकेएस है सबसे पहला पोकेमोन क्योंकि वो पोकेमोन की दुनिया का गॉड है गाइस, तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि वो फर्स्ट पोकेमोन है, पर असल में इन सब थ्योरी सच नहीं है गाइस। असल में माना जाता है कि मतलब माना क्या, ये सच्ची बात है कि रायहॉर्न, तो गाइस रायहॉर्न ही फर्स्ट पोकेमोन है, और ये बात उन्होंने जो पोकेमोन के क्रिएटर्स हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताई थी कि रायहॉर्न ही फर्स्ट पोकेमोन जो कि डिज़ाइन किया गया था वही है, रायहॉर्न ही है जो कि डिज़ाइन किया गया था सबसे पहले गाइस, जो कि सही में काफ़ी अच्छी बात है। और इतना ही नहीं गाइस, जो रायहॉर्न है ना वो पूरा मतलब 112 नंबर पे पोकेडेक्स में वो पहला डिज़ाइन किया गया था, फिर भी 112 नंबर पे कैसे हो सकता है, ये बात भी अजीब है, पर यही सच बात है कि वही पहला पोकेमोन है पोकेमोन की दुनिया का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो में।